अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो शीन का एक पार्सल आ चुका है जो कि 150 पाउंड का है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है और क्या क्या यूज़फुल चीज़ें हैं कि क्या सीन है। तो आपके सामने ओपन करती हूँ इसको और देखते हैं मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें। ये रहा मेरा इतना बड़ा पार्सल, बहुत बड़ा बॉक्स है। वन बाई वन ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले है ये, इसके साथ चार ये मिले हैं, ये प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक। और ये ना इस तरह है कि मतलब लाइक जब हम किचन में काम करते हैं, कुछ भी हॉट वाली जो हमारे पॉट्स होते हैं हम उसको इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर हमारा जो शेल्फ होगा वो ख़राब नहीं होगा। ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरत थी इनकी क्योंकि हर वक्त किचन में काम होता है तो जो तो रख दो तो फिर ना जो शेल्फ होते हैं ना वो थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। नेक्स्ट हमने मंगवाई हैं ये सॉक्सेस, ये मैंने आयत के लिए मंगवाई हैं, बहुत मज़ेदार, इतनी कोजी कोजी सी हैं। ये था साथ के ना ताकि वो शूज़ अक्सर नहीं पहनना पसंद करती तो घर पे ये पहन के फिर वो ख़राब नहीं होंगे। 1 2 3 कितने प्यारे हैं, 4 5 6 कलर भी बहुत अच्छे हैं सारे। तो ये रहे सॉक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होंगी सारी ना शायद, ये कह दिया उन्होंने। अच्छा शायद मैंने ज़्यादा शॉपिंग किया ना, उस वजह से उन्होंने मुझे कोड भी दिया है कि आप इतनी शॉपिंग के मतलब इतनी करेंगे तो आपको ये कोड उससे फिर आपको माफ़ हो जाएगा इतने पैसे। वाजी वाह। और ये रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो ये रहे हमारे पास ब्लैक सॉक्सेस, ये मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाए हैं, बहुत मोटे अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार है, सर्दी में बेस्ट है, उनको पसंद आएंगे आई होप। और नेक्स्ट हमने मंगवाया है ये क्या है जी, देखना पड़ेगा खोल के। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को शायद मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि लंबी लंबी वीडियो का मज़ा नहीं आता, बट क्या ही करूँ। अच्छा ये बेडशीट है, बेडशीट मंगवाई थी मैंने, वो है। अच्छा ये बेडशीट देख लो आप लोग कैसी, बिछा के भी दिखा दूँगी बाद में आप लोगों को। फिटेड वाली है, फिटेड वाली मतलब इधर उन्होंने ना लास्ट किट दे के ना वो फिर स्टक हो जाएगी बेड के ऊपर। कलर बहुत अच्छा है देखे, बड़े में से ये चूज करके मैंने ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको हम वो साथ चिपकने के लिए ये ऐसे करके हम दीवार के साथ चिपका देंगे और इसके अंदर मैं अपनी जो सफाई की चीज़ें हैं ना उसके लिए मैंने ये मंगवाया था, जो मेरे स्प्रेज होते हैं ना सफाई वाले वो ऐसे रुलते रहते हैं तो उनके लिए ये मैंने मंगवाया था। डेकोरेशन का मुझे इतना शौक है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, तो मैंने उसके लिए भी एक मंगवाया। मेरा बस ना चले मैं पूरा घर आर्टिफिशियल फ्लावर्स से भर दूँ। तो ये रहे हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स। वाह थोड़े मोल्ड हो गए हैं क्योंकि ना उन्होंने पता नहीं किचन विकर करके भेजे हैं, शायद ऐसे यूज़ होते होंगे, बट देखो देख कितने प्यारे हैं, प्यारे हैं ना, प्यारे हैं ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ये क्या है? अच्छा ये हमने मंगवाए हैं ये उसके लिए है, चूल्हे के लिए, कैसे अंदर ये देख रहे थे होल है ना, ऐसे अंदर घुसा दो तो फिर इस तरह होता है कि आपको ना गंदा नहीं होता आपका चूल्हा। ये आ गया, ये मैंने ये भी आयत के लिए मंगवाया है कि आयत के जो टूथब्रश वगैरह होगा ना इसके अंदर जाएगा, कितना प्यारा ना टूथब्रश और उसकी वो टूथपेस्ट वगैरह वॉशरूम में लगाऊंगी मैं, वैसे तो कहीं भी लगा जाता लेकिन मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया था उसके। ये क्या है ओटो सम क्लिप्स, ये क्या है याद भी नहीं है क्या मंगवाया था, इतनी देर से आता नहीं पार्सल। ओके ओके ओके, ये मैंने मंगवाया था ऐसे करूँगी, मैंने देखा था वीडियो में ना कि आपने कैसे करना ऐसे इसको कर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, पता नहीं यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को पागल कर देती हैं, उनमें से ये एक ये है जिसका लॉजिक कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जब ये लगाया तब तो थोड़ा बहुत ऑलराइट लग रहा था, मैंने एंड पे इसके क्लिप्स डाले हैं कि ये चीज़ क्या है, क्या था ये देखूँगी, कोई मैंने ऑर्गेनाइज़र ही मंगवाया होगा, कोई ऑर्गेनाइज़र ही होगा, बाद में इसको देखते हैं ये क्या बला है, इसको भी रख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, ये भी बेडशीट है, ऊपर से आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है, दो बेडशीट्स मंगवाई थी, ये रही बेडशीट, बहुत प्यारी है बेडशीट होगी या आई थिंक दूसरा होगा कुलिट का कवर होगा, साथ तकियों के कवर होंगे। इसके बाद ये भी सॉक्सेस, ये मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाई है, इसको क्या खोल के दिखाऊंगा, ये दिखा दो
क्योंकि उनकी सोचपीठ का बेड़ा गर्क हो चुका था और वो न्यू नहीं लेते। मैं ले दूँ तो ले दूँ, वरना उन्होंने अपने लिए लेना है, तो मैंने उनके लिए काफ़ी सारे सॉक्सेस मंगवा लिए हैं। अभी उनको पता नहीं है, मेरे पे गुस्सा करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर लेंगे। व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है? इसके बाद में देखते हैं, ये भी कोई ऑर्गेनाइजर होगा। नेक्स्ट रही है हमारे पास टोकरियाँ, बास्केट्स, ये हैं फूड्स के लिए, बहुत प्यारी ब्लैक कलर की, ब्लैक है, हाँ ब्लैक कलर की, दो मंगवाई मैंने, ये रहे। फिर है नेक्स्ट हमारे पास ये मैट, ये वॉशरूम के लिए मंगवाया है, ये रहा वॉशरूम के लिए। स्मेल इतनी गंदी आ रही है इसके अंदर से, पता नहीं क्यों, ये वॉशरूम के लिए मैट है। और ना ये मैंने पहले भी एक मंगवाया है, बड़ा सही रहता है, इससे ना पानी अब्सॉर्ब हो जाता है और आपका वॉशरूम नहीं गिरता रहता, ये रहा। फिर नेक्स्ट हमारे पास वो एक और आ गया, फिर ये भी मोस्ट ऑफ थी, ये मैंने अपने लिए मंगवाई है, वो वाले होल्डर जो मैंने आपको पहले दिखाया सेम वैसे ही मैंने एक और मंगवाया है, ये ओहो वापसी फिर लूज लूज हो गया सामान, ऊपर इतना रख दिया था, ये एक दो बास्केट से ये मंगवाई, साथ एक ये है, ये आई थिंक जायका, वो चादर ही थी, मैंने दो चादरें मंगाई थी और एक जायका कवर मंगाया था, ये भी बहुत प्यारा है ये, एक मिनट, एक सब तकियों के कवर भी हैं, अच्छी है, साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ हमने मंगवाया था, कई चीज़ें ऐसी हैं वो जो जब मैं जोड़ लूँगी ना फिर वो क्लिप साथ ऐड कर दूँगी। और ये बॉक्स है, ये देखो ऑर्गेनाइज़र है, तो मैंने ये भी मंगवाया था, इसको भी हम ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाएंगे। एक ये रहा हमारे पास, इसके अंदर है दो हैंडल के, ये होल्डर है उसके लिए, रेजर्स वगैरह या वॉशरूम के लिए बेस्ट रहता है, इसको लगाओ ना, आपकी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं, निकल दिया, ये रहे स्टिक करके लगाने वाला। उसके बाद ये साबुनदानी, ये बेस्ट, मैंने जितनी भी यूज़ किया ना इसके नीचे दो होल है ना, तो सारा नीचे से होता रहता है, गंदी नहीं होती ज़्यादा, ये बेस्ट रहती है, इसके मेरी ये बहुत, मैंने पहले मंगवाई थी तो मैंने और दो तीन मंगे थे। उसके बाद ये रहा हमारा एक और पार्ट, मतलब उसी पार्ट में मैंने एक ड्रेस मंगवाया था, एक और मंगवाया था, इसमें एक ड्रेस है जो कि लंबा सा कोट टाइप है, तो इसकी ऐसे नेक है, और ये रहा रेड कलर का लंबा सा, बहुत कोजी है, इसका मटेरियल इतना कोई ख़ास नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगा, कपड़े का ये वाला मटेरियल बिल्कुल नहीं अच्छा, बाकी सारी चीज़ें और आइट है, सॉक्स बहुत अच्छी हैं, और ऑर्गेनाइजर जो मैं मंगवाती रहती हूँ वो भी बेस्ट है, और कपड़े यहाँ का थोड़ा जोल मॉल है, मतलब मैंने भी दवा आए थे, दो मंगवाए थे मैंने, ये शीन का और एक और वीडियो भी डाली है, वो भी अच्छा, वो अच्छा था। अच्छा हमारे पास है ये मैंने डोर मैट के लिए मंगवाया था, ये रहा डोर मैट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये है भी अच्छा, उल्टा सीधा हो गया जैसे भी। अब मैं ऑर्गेनाइज करके ना जब करूँगी तो फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाना ही भूल गई, मैंने ओपन किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी दिखाने वाली हैं। इस बास्केट के अंदर थी एक छोटी और बास्केट, ये रही, और साथ था ये वाला होल्डर, ये है रिमोट रखने के लिए, टीवी का रिमोट रखने के लिए, उन इन चीज़ों के लिए है, या वैसे भी किसी चीज़ के लिए, ऐसे लगाएंगे दीवार के ऊपर, यहाँ पर रिमोट आ सकते हैं और कुछ और चीज़ भी आ सकती है। और उसके बाद ये वाले ऐसे जाएंगे, एक होल्डर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर मैं ना फॉइल पेपर होते हैं ना उनको इधर ऐसे करने वाली हूँ, और जब करूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। और ये वाला होल्डर मैंने मंगवाया अपने कैचर्स वगैरह रखने के लिए, मतलब कैचर कह रही हूँ सॉरी, हेयर बैंड्स रखने के लिए, और सारे ऐसे जाएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ये वाले जो क्लिप्स मंगवाए हैं ये ऐसे दीवार पर जाएंगे, और ये वाले होल्डर से वो जो हमारे सफाई वाले जो होते हैं ना ब्रशेस वगैरह उसको होल्ड करने के लिए, ये चार पीसेज हैं, इसी तरह ये भी वाले चार पीसेज हैं,
ज़्यादा होम की को डेकोर करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ही मंगवाए हैं। तो ये रहा सारा चीज़ें, बाकी लगाती भी जाऊँगी और आगे दिखाऊँगी भी आपको। मैंने कहा ये बास्केट भी आपको ओपन करके दिखा दूँ, क्या ह्यूज बास्केट है, वाह ऐसे होएगी ये। ये रहा आयत के ब्रश का सेक्शन, इसमें से इन्होंने ये देखो इसके दो पर टूटे हुए हैं, ऊपर वाले जो उसकी मूछें होती है ना, यहाँ पे लगा दिया है ये इसके लिए होल्डर। ये रही वो फिटेड शीट, ये भी बिछा ली गई है, बड़ी अच्छी फिट हुई है। नेक्स्ट रहा ये देखो रिमोट्स का स्टैंड बना दिया गया है जिसमें तीन रिमोट आ चुके हैं। नेक्स्ट है ये वाला, ये भी स्टैंड जोड़ दिया गया है और ये इस तरह ट्रॉली टाइप है, लेकिन ये ना बहुत हल्का देखने से लग रहा है, बड़ा ही वो होगा लेकिन ये बहुत हल्का, जहाँ पे भी मर्जी लेके जा सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के भी बच्चा भी उठा सकता है इजीली। नीचे से ये टायर भी है इसके, अगर लेके जाना हो तो किचन में भी रख सकते हैं कहीं भी, भाई आयत ने ही उठा लिया है तो बाकी तो कोई भी उठा सकते हैं। ये इतना हल्का है ये, इसलिए टायर की भी ज़रूरत नहीं थी। और वही जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्यों मंगवाया इसी तरह, वरना ऐसे में डायरेक्ट रखती ना गर्म होता है ना तो वो निशान थोड़े थोड़े पड़ने लग जाते हैं, ऐसे रख सकते हैं इसको। और अब मैं ये हब साफ कर रही हूँ, इसलिए वही जो मैं लेके आई हूँ ना इस पर स्टक करने के लिए, पहले जो थे स्टक किए हुए मैं आपको दिखाती हूँ, बिन में फेंक दिए, वीडियो नहीं बनाई, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करके फिर उसको न्यू वाले जो है ना वो इसके ऊपर करूँगी। पहले वाले में मैं ना यूज़ करती थी, उसके बाद उसको वॉश करके कर लेती थी, लेकिन अब उनकी हालत ना बहुत बुरी हो चुकी थी, क्या वो यूज़ करने वाले रहे ही नहीं थे, इस तरह होते हैं ये देखो इनकी हालत। मस्त किस्म का वो बहुत टाइम लेने के बाद साफ़ सुथरा हो चुका है, और इसके बाकी जो अज्जा हैं वो यहाँ पे सूख रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था ना होल्डर, ये इसके लिए थे, इसको ऐसे करेंगे, ये बाहर वाली बिन का बड़ा वाला, ये घर वाली बिन मतलब रूम वाली बिन का, एक ये बिन है एक इस वाली बिन का। अब यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर करके ना, वैक्यूम क्लीन करके तो फिर मैं यहाँ पे मैट्स वगैरह बिछा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले मंगवाया था, इसकी क्वालिटी अच्छी थी और ये बड़ा भी था, पता नहीं ये शायद मुझसे छोटा और कलर भी डिफरेंट हो गया, मुझसे बहुत ही डिफरेंट हो गया, लेकिन फ्लोर के साथ मैच कर रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने एक और मैंने इसको ऐसे सेट करने के लिए मंगवाया था, सारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया ना ऐसे बस। तो ये मैंने इसलिए मंगवाया था, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो ये जो मैंने ब्लैक मंगवाया था ना पहले, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए आपने ब्लैक मंगवाना हो तो ना मंगवाइएगा, उस पर ना चीज़ें गिरती थी तो वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो रही थी आयत। तो उसके बाद मैंने ये मंगवाया सिल्वर में, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर ना आटा वगैरह गिर जाते तो इतना परमानेंट नहीं हो रहा, ये सारा ऐसे। और आज मैंने बनाया है पास्ता, पास्ता सूरज निकला हुआ है उफ, लेकिन सर्दी फिर भी बहुत है, पाँव ऐसे ऐसे साथ ही नहीं है उफ। सो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आशी लाइफ टिप्स। आई थिंक बहुत सारे मतलब जितनी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, जो नहीं दिखाई होंगी वो दिखाने वाली होंगी नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर।